तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12 रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि एमपी बोर्ड ने कक्षा 12 का आपका केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा जारी किया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड ने आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का जारी किया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र। और देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 हेतु है ये, और इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे। विषय रसायन शास्त्र, टोटल आपसे इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटली आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलेगा सबसे पहले हम समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से इसको समझ भी लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं, पहला क्वेश्चन सोडा वाटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोडा वाटर क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा गैस में द्रव्य है। क्या है, गैस में द्रव्य, इसका राइट आंसर होगा। कार्बोलिक अम्ल है, तो देखो कार्बोलिक अम्ल क्या है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फिनोल। क्या है, फिनोल कार्बोनिक अम्ल है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका 2 नंबर का होगा, सेक माइनस 1। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, स्टीपन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा एल्डिहाइड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाँचवें नंबर का क्या लिखा है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। तो देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको ये लिख लेना SP3। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया पूरा। और इसके बाद में यहाँ से आप सभी लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति को देखना है और पूरा समझना है। तो देखो रिक्त स्थानों में क्या क्या आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन लिखा जल की मोललता होती है। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है 55.56 या 55 भी आप लोग लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख ले 55.56 और यहाँ से आपको लिखना है 55.56। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा को कर देता है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना कम कर देता है। क्या कर देता, कम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मर्क्यूरी Hg-80 संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख लेना 3। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, फिनोल एल्कोहल की अपेक्षा अम्लीय है। तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा ना, फिनोल एल्कोहल की अधिक अपेक्षा कैसा अम्लीय है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा अधिक। क्या लिखना है, यहाँ पर अधिक अम्लीय है, तो यहाँ से आप लोग अधिक लिख ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन छठे नंबर का, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना है टोनेन अभिकर्मक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनेन। क्या लिखना है यहाँ से आपको, टोनेन और उसके बाद में अभिकर्मक, टोनेन अभिकर्मक इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये पूरा आपका असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा, ये भी आपका सत्य होगा। हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा Fe है। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा, ये भी आपका सत्य होगा। Mn+2 अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोलिक यौगिक होते हैं। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक सत्य सत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में
देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। देखो प्यारे विद्यार्थी, जोड़ी के मिलान में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इस जोड़ी मिलान को देखते हैं और समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन संचारण, संचारण की जोड़ी आपसे किससे मिल जाएगी, विद्युत रासायनिक घटना से, इससे। उसके बाद में विटामिन B12, तो देखो दूसरे नंबर पे जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है इससे, एक नंबर से। तो देखो इस प्रकार से आप लोग कर लो इसका जोड़ी का मिलान। इसके बाद में तीसरे में जो लिखा है टेस्टोस्टेरोन, तो देखो ये पुरुष लैंगिक हार्मोन है, इसकी जोड़ी इससे हो जाएगी। डाई एजोनियम लवण, तो देखो डाई एजोनियम लवण जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान किससे करना आपको, इससे। उसके बाद में पेलिंग बिलियन, तो देखो पाँचवें नंबर पर जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी के मिलान आपको कर लेना है ए नंबर से, इससे। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर से आप सभी लोगों से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से आप सब लोग नोट कर लें इसको। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को इसके राइट आंसर को यहाँ से नोट कर लेना है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, में पाई जाने वाले समयावता का नाम लिखिए। तो देखो इसमें कौन सी समयावता है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयनीकरण समयावता। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, आयनीकरण उसके बाद में समयावता, समयावता इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन डाई एंजोनियाइट क्लोराइड और फिनोल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, युग्मन अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग लिख लें इसको, युग्मन अभिक्रिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ से आप लोग लिख लें एल्डिहाइड और इसके बाद में ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। देखो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई की कमी से। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और बाकी का पेपर आपका इस प्रकार का होगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और अच्छे से समझ भी लें। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें आप सब लोग। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है, 7 का तो वाला प्रश्न ये है। इस प्रकार से मैं तो आपको ये सलाह दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सब लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ लें और इसको याद भी कर लें, ताकि आप सब लोग वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे से इनको लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप लोग देखो, जैसा कि आप सब लोग देखते हो, एक बार आप लोग इनको अच्छे से पूरा का पूरा हल करके देख लो। इससे ये होगा कि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में इसको अच्छे से हल कर पाओगे, क्योंकि आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा ना, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। मगर आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और बिल्कुल इसी के भरोसे ना रहे, क्योंकि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और देखिएगा यहाँ तक का मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। अगर आपने सभी विषय के पेपर अभी तक नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ और वहाँ पर क्लिक करके उन सभी को देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।